शाम को बेटी अपनी एक्टिवा के अंदर फ्यूल डलाने के लिए गई थी और उसके साथ उसकी एक मित्र भी थी, सहेली थी। अकेली तो अब हमने घूमना किया हुआ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये धमकियां भी मिल चुकी हैं और कई बार अंदेशा भी हो चुका है, बाल बाल बचते हैं। तो कल जो घटना हुई है वो बड़ी शर्मनाक है और हमारी बेटी ने इसके बारे में 112 नंबर पर डायल भी किया, परंतु जो देर रात तक मुझे यही सूचना मिली कि वो अटेंड नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी इस मंत्री को संदीप सिंह को सैक नहीं करते ना, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा और उनकी ओर से, सरकार की ओर से या मुख्यमंत्री जी की ओर से कोई पुख्ता सिक्योरिटी हमारी आज तक है नहीं, क्योंकि वो पहले ही हमारे से बायस में हमारे बयानों को अनारगल कहते हैं। अब वो जो है ना, आजकल अब क्या है, अब वहाँ जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हुए हैं, हमारे देश की शान बैठे हुए हैं, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार है तो हम तो उनके सामने मामूली हैं, परंतु फिर भी उनके बारे में मुख्यमंत्री जी कहते हैं दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, खुद दोषी को अपनी पॉकेट में रखते हैं, अपनी पीठ पीछे रखते हैं और उनका सपोर्ट रखते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से क्या आशाएं लगाएं, दबाव देते रहेंगे, हम जो है ना इन चीजों से बिखरेंगे नहीं, मरना ही तो है, मौत से आगे तो कोई चीज है नहीं, लेकिन हम आने वाली जनरेशन के लिए रास्ता जो है ना बनाते चलेंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि भी मामूली परिवार के बच्चे वो मोरली कितने स्ट्रांग होते हैं, वो सब हमारे खट्टर साहब की तरह इतने कमजोर दिल के नहीं है कि भी बार बार बयान बदलें और कहें कुछ और करें कुछ। हम अपने कदमों के ऊपर अडिग हैं और अडिग रहेंगे, जान से ऊपर कोई कीमत नहीं होती, लेकिन आने वाली बच्चियां, क्योंकि हरियाणा एक स्पोर्ट्स के फील्ड में अहम क्षेत्र है, हम नहीं चाहते कि भी हमारे देश का नाम हरियाणा के खिलाड़ी, चाहे वो कोई भी खेल हो, नाम रोशन करते हैं, वो आयाम बंद हो।